जय गौ माता की, जय भारत माता की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि माँ भगवती कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माँ जगदम्बा कृपा मेरे देशवासियों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय रहने वाला है तुला राशि को लेके, जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्योंकि छह राशियों का इंतजार पूर्ण हो चुका है, आज बारी है तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के भी मन में कहीं ना कहीं विचार उठ रहेंगे कि पहला महीना स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक स्थितियां क्या, विचारों की वैसे ही स्थिति रहने वाली है जो पहले वर्ष में रही है। एक विचार खत्म हुआ तो दूसरा उठ गया, मन में इस प्रकार के अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन पर प्रतिबंध भी लगता रहता है। तो मानसिक स्थितियां कैसी रहेंगी, एजुकेशन कैसी रहने वाली है विद्यार्थियों की, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका कैसा रहने वाला है, और जॉब करने वाले हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा, और जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा। ये तमाम विषय हैं दोस्तों आज के हमारे, इन विषयों पर आप भी बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और आज हम प्रयास रहेगा हमारा कि जो आपके मन में उठ रहे विचारों के कुछ जवाब हम इस विश्लेषण से दे पाए। तो दोस्तों, विषय पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय गौ माता की या फिर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके माध्यम से किसी ना किसी की हेल्प हो सकती है, उसको अच्छी जानकारी मिल सकती है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसका मार्गदर्शन आपके एक शेयर से हो सकता है। चलिए दोस्तों, विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबके आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जनवरी का ग्रह फलादेश, ग्रह किस स्थान में रहने वाले हैं पहले उस पर बात करते हैं। लग्न में आपके केतु मौजूद है, तृतीय भाव में आपके सूर्य के साथ बुध मौजूद है, चतुर्थ भाव में शनि शुक्र, क्योंकि यहां पर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती, इसी कारण से आपने 2.5 वर्ष से बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। आपका पंचम भाव खाली है, छठे भाव में आपका गुरु मौजूद है और सप्तम भाव में आपका राहु के साथ चंद्रमा उपस्थित है, अष्टम भाव में आपके मंगल मौजूद है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए दोस्तों, ज्यादा अच्छा भी नहीं रहने वाला, ज्यादा खराब भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि लग्न में केतु है तो आपको भरम भी रह सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी बड़ी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। परंतु दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशन और शरीर का ध्यान, कहीं ना कहीं उन सभी स्थितियों पर 17 जनवरी के बाद कुछ विराम लगने वाला है, क्योंकि जो आपके शरीर में जो प्रॉब्लमें थी, पैरों में अत्यधिक ज्यादा पीड़ा रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी ज्यादा रहती थी, सारी सारी रात जागने के बाद सुबह के टाइम करीबन नींद आती थी, तो इन सब स्थितियों में 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि अपना ग्रह परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 1, 4, 8, 12 भाव में शनि कभी भी अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं। तो आपने 2.5 साल इस समस्या को झेला है, 2.5 साल की आपकी तप और प्रतीक्षा के बाद आपको कुछ अच्छा फल आपके जीवन में आने का जो संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, भ्रम की स्थिति रहने वाली है, परंतु एक सावधानी दोस्तों आपको रखनी होगी, वाहन चलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहु मौजूद है और सातवीं दृष्टि से आपके शरीर को, आपके लगन को देख रहा है, तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सीट बेल्ट का प्रयोग करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिर पर हेलमेट लगाना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पुलिस के डर से हेलमेट मत लगाइए, सीट बेल्ट मत लगाइए, आप अपने शरीर की रक्षा के उस डर से लगाइए कि कहीं कल कोई बड़ा हादसा हो गया तो आपका ये सुंदर सा शरीर कहीं ना कहीं परेशानियों में गिर जाएगा, लंबे समय तक हॉस्पिटल में पड़ना पड़ सकता है। और अब ये राहु और केतु की स्थिति आगे रहने वाली है, तो ये सावधानी आपको लंबी रखनी होगी, क्योंकि राहु का जो अपना खुद का नेचर है केतु का, तो अचानक घटनाओं को उत्पन्न करता है, और इस प्रकार की घटना है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। स्वास्थ्य आपका ऐसा रहने वाला है, सावधानी आप बरतेंगे तो आप बड़े हादसे से बच सकते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद दोस्तों करते हैं मानसिक स्थितियों की, आपके मन में विचारों का आगमन चलता रहेगा, 17 जनवरी के बाद कुछ अंकुश लगेंगे,
तो स्थितियां उसके बाद बेहतर होने स्टार्ट हो जाए। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 17 जनवरी को पंचम भाव में शनि जैसे जाएंगे, संघर्ष की प्राप्ति का शनि का खुद का स्वभाव रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत मांगते हैं और फिर उसका फल भी बहुत ज्यादा अच्छा देने वाले। 2.5 वर्षों तक आपके लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ कार्य करना पड़ेगा, तो मेरा दावा है कि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और शनिदेव किसी को नाराज नहीं करते हैं। हाँ, हमारे जीवन का आचरण कहीं ना कहीं शनिदेव जी को जरूर पीड़ा पहुंचाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा स्ट्रोंग बनकर खड़े हों और अपनी इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उतारू हो जाए कि मुझे अपनी समस्याओं का हल करना, अपने मेहनत से अपने भाग्य को लिखना, विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, तो आपके सपने को कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता है। आप अपने सपने के खुद जुम्मेवार है, खुद दुश्मन है। जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, किसी भी चीज को करने से डरते हैं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो यही आपका प्रभाव है जो आपका दुश्मन है। और जहां पॉजिटिव सोचते हैं कि मुझे अच्छा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आपका भाग्य ऊंचाइयों तक जाएगा। एक बात और तुला राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके चतुर्थ भाव में 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में शनि और सूर्य की युति बनने जा रही है, साथ में शुक्र भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ ये स्थिति आपकी, मैं शब्दों के लिए समा चाहूंगा, पिता के साथ आपका व्यवहार बिगड़ सकता है, आपके शब्दों का तालमेल उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर सावधानी रखिएगा और इस सफर में आप पिता के साथ या जहां पर आप जॉब करते हैं उनके साथ भी या बिजनेस करते, तो यहां पर भी आपको अपने जो शब्द निकलने वाले हैं उन पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना आपका स्थिति को ये माहौल बिगाड़ सकता है। जो आपका 14 जनवरी से जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, तो वहां पहले मौजूद शनि उपस्थित है, तो युति अच्छी नहीं है, ध्यान रखिएगा अपना। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब के लिहाज से, महीना ठीक रहेगा ना ज्यादा अच्छा है। प्रतीक्षा का फल, जो मेहनत करी आपने 17 जनवरी के बाद, आपकी जो है वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। आप जहां पर भी जॉब करते हैं, इससे पहले आपके परिश्रम को, आपकी मेहनत को फल नहीं, अहमियत नहीं दी गई, अब आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को और माता पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके देखिए कि शनिदेव जी आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि चांदी में रजत में शनि का प्रभाव है, पहले लोहे में था, अब चांदी में बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपके स्वभाव पर ये सब चीजें बड़ी निर्भर करती हैं। व्यवसाय के लिए दोस्तों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 जनवरी को बुध मार्गी होगा, स्टार्टिंग का आपका कुछ अच्छा नहीं है, बाद का अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बुध मार्गी होगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ मौजूद है, तो बुध आपके अभी वक्री हैं। 13 को बुध का परिवर्तन और 14 को समा चाहूंगा, 13 को बुध का मार्गी होना और 14 को सूर्य का मकर में प्रवेश करना, अच्छा संयोग है आपके लिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा है, फल बहुत सुंदर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो नोक झोंक चलने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु मौजूद है और आपके लग्न में केतु, तो छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बन सकता है। तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियों का यह सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनने का ये समय है। यहां पर आप जितनी शांति रखेंगे, जितना आप मौन रहेंगे, उतना आपका गृहस्थी जीवन अच्छा चलेगा। आपके मुख से निकले शब्द कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आग का काम कर सकते हैं, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शांति रखिएगा और ईश्वर पर विश्वास रखिएगा कि जो आज आप ये प्रतीक्षा करें, इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो रिश्ते बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, पर कुछ समय के बाद स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, इसके बाद अच्छी होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी, उसके बाद उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। जैसे जैसे ग्रह स्थितियां परिवर्तन करेंगी, वैसे वैसे जीवन में अच्छा होना
प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों तमाम जानकारियां आपके लिए जो हमने फलादेश बनाया था। सावधानी के साथ आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, सतर्कता आपको अच्छा फल प्रदान कर सकती है। ये जो फल था दोस्तों चंद्र कुंडली और आपकी जन्म कुंडली के नाम पर आधारित है। वो कोशिश की हमने, प्रयास किया कि इस फलादेश को हम आपके नेचर से आपकी स्थिति से मैच कर पाए। तो जितना मिला है ये एक केवल एक रुझान है, बाकी किसका शनि ज्यादा अच्छा है किसका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है ये भी निर्भर करता है कौन सा ग्रह की स्थिति में। तो वो आप जानकर अपनी कुंडली के अच्छे योग किसी ब्राह्मण से विश्लेषण करवा के जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है, मन में कोई संशय है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में जय गौ माता की लिख के आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। प्रयास रहेगा हमारा जैसे समय की स्थिति हो तो हम आपको कॉल करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उपाय क्या रहने वाले हैं दोस्तों, माँ दुर्गा माँ भगवती की आराधना करिए तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। जितना आप माँ भगवती का ओम दुख दुर्गाय नमः का मंत्र जाप करेंगे उतना आपका जीवन अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, राहु केतु इससे शांत होंगे, आप हनुमान जी की जितने आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ज्यादा जानकारी आप अपनी कुंडली को विश्लेषण करवा के भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबरों पर आप हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आज का दोस्तों इतना ही, एक अंतिम संदेश आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में कि आप जितना हो सकता है जरूरतमंदों की मदद करें, गौ माता की सेवा करिएगा और बेजुबानों की रक्षा के लिए कदम जरूर बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही, खुश रहिएगा। जय गौ माता की, जय भारत माता।